अलवर जिले में थाना गाजी में हुए गैंग रेप मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के उपाध्यक्ष, प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही पुलिस अधिकारियों से भी मामले को लेकर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि पुलिस कार्यशैली की जांच संभागीय आयुक्त और डीआईजी जोस मोहन द्वारा जांच की जाएगी। सरकार द्वारा पीड़ितों को नियमानुसार सहायता और योग्यता के हिसाब से नौकरी देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष एल मॉर्गन ने मीडिया को बताया कि प्रथम दृष्टया पुलिस लापरवाही की बात सामने आई है, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही भी जरूर की जाएगी। वहीं डीजीपी कपिल गर्ग ने मीडिया को बताया कि प्रारंभिक जांच में कई खामियां सामने आई है। घटना की प्राथमिकता दर्ज होने और गिरफ्तारी होने के बीच 4 से 5 दिनों का गैप रहा है। इसमें पुलिस की कहां चूक रही, इसकी जांच करवाई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बताइए मुझे क्या क्या एक्शन दिए जाएंगे इनके आने के बाद। देखिए जो तीन मुद्दे, जो पहला है कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, यानी कोर्ट में केस पहुंचे। अब सारे कल्प्रिट पकड़ में आ चुके हैं तो इसका इनकी शिनाख्त वगैरह करवा करके और फॉर्मेलिटीज जितना फास्ट पूरा करके पर कोर्ट में चालान पेश हो, नंबर वन तो ये बात है। आगे का काम कोर्ट में होगा। दूसरा, अभी जैसे आपने कहा कि क्या फास्ट ट्रैक या स्पेशल कोर्ट में होगा, तो ये SC ST का स्पेशल कोर्ट है, वो स्पेशल कोर्ट के अंदर इसको करके और जल्दी जिससे प्रक्रिया पूरी हो सके। दूसरा, जहाँ तक उनके मुआवजे का है, 50,000 का एक मुआवजा महिला बाल विकास के बिहाफ पे और 4,12,500 का मुआवजा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के इसमें मुआवजा दिया जा चुका है। ये 50% मुआवजा है, अन्य 50% बाद में मिलेगा। और इसके अलावा कोई और एडिशनल कॉम्पनसेशन बनता है ये आयोग ने बात रखी है, उसका भी हम तुरंत ही आज चेक करेंगे। इन्वेस्टिगेशन संबंधी जो कमेटियां आपने बताई अभी, अब जो बात आती है, दो इन्वेस्टिगेशन की कमेटी, एक तो है डिविजनल कमिश्नर जो पूरी प्रक्रिया को देख के, उनको 10 दिन का समय दिया गया, कल रात को ही उसके ऑर्डर निकले हैं, तो अब आज पहला ही दिन है। अब KC वर्मा जी जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो इसमें जाँच करेंगे। दूसरा, मिस्टर जोस मोहन जो DIG हैं वो पुलिस की प्रक्रिया के ऊपर जांच करेंगे, उनको 7 दिन का समय दिया है। दोनों मिलकर के अपनी रिपोर्ट्स दे देंगे, उसमें साफ निकल के आएगा किसके पार्ट पर डिले है, कितनी डिले है और उसके लिए क्या वो किस तरह की सजा का पात्र है, उसके अनुसार हम करते हैं। इस तरह के केसेस और भी कई सामने आने लगे, मतलब दूसरे नेचर टाइप हो, उन मामलों में लगातार जैसे इस तरह के प्रकरण सामने आने लगे, क्या सरकार इस पर गंभीरता से ले रही है, किस रूप में ले रही है और किस इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या स्थिति है? देखिए, गंभीरता से तो बिल्कुल राज्य सरकार ले ही रही है, लेकिन एक दिनों में एक साथ कुछ स्पर्ट सा जो आप कह रहे हैं कि न्यूज़ में लगातार कुछ चीज़ आई हैं, इसमें सबसे पहले तो हम इससे नहीं डर रहे कि अगर नंबर ज़्यादा है, लेकिन FIR सबसे पहले तुरंत दर्ज होनी चाहिए। जो इस वाली घटना में सामने आ रही है कि बात FIR में विलंब हुआ, वो नहीं होना चाहिए और उसको तेज़ी से, पहला रिड्रेसल तो यही है कि उसकी बात सुनी जाए और दर्ज की जाए ताकि पुलिस अपनी भूमिका ऑनलाइन करे। दूसरा, इसमें ऑनलाइन FIR की बात है कि क्या ऑनलाइन FIR दर्ज की जा सकती है। अभी पूरे देश में इस तरह की कोई सीधी प्रक्रिया नहीं है। दिल्ली के अंदर जो व्हीकल वाले जो ऑफेंसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के, उनके अंदर ऑनलाइन की व्यवस्था है, लेकिन अभी ये राज्य सरकार की क्लियर मंशा है कि जो भी FIR किसी भी तरह की कोई दर्ज कराता है आवश्यक रूप से दर्ज किया जाए। उससे चाहे क्राइम का नंबर बढ़ता हो, एक बार तो बढ़ जाएगा, हमको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन रिड्रेसल उसकी आदमी की बात का होना चाहिए और वो दर्ज होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो दोनों इन्वेस्टिगेशन की बात है, ये दोनों रिपोर्ट्स आते ही किसकी क्या भूमिका रही है उस पर बात होगी, लेकिन साथ साथ आयोग ने जो जनरल बातें भी हमसे की हैं कि स्टेट विजिलेंस कमेटी की मीटिंग जो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो, उसको हम कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कराएंगे। कलेक्टर के लेवल पर होती है डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी, जिसमें SC ST के ऊपर अत्याचार का मॉनिटरिंग होता है, उसमें SP के उपाध्यक्ष होते हैं। उन कमेटी के मीटिंग्स को भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हम तुरंत करवाएंगे। मैं स्वयं VC लूँगा सारे कलेक्टर्स SP की और उनको निर्देश होंगे कि अब ये कोड ऑफ कंडक्ट 27 तारीख तक है, 27 मई को ख़त्म होगा, उसके बाद हम इसको तुरंत करवा के जून में ये मीटिंगों को करवाएंगे। और ये सारी बातें जो जिस तरह की शिकायतें लोगों की जो
ग्रीवांसेज हैं उन कमेटियों में खुल के हों, वहाँ पर MLAs भी होते हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी होते हैं और दूसरे विभागों के अधिकारी भी, सब मिलजुल करके उन पर त्वरित गति से। CM साहब ने बात की है कि अगर थाने के अंदर विक्टिम जाती है और उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता तो SP उसका मुकदमा फाइल करेगा, तो क्या ये बात इस तरह किस तरह से सैद्धांतिक हो पाएगी इसको? महिलाओं की सुनने के लिए DSP स्तर पर एक अधिकार लगाया जाए, जहाँ तक महिलाओं को सुनने के वाइस चेयरमैन थाना गाजी पधारे और उन्होंने विक्टिम के घर जाकर उनसे चर्चा की, मुलाकात की और फिर एक बैठक यहाँ अधिकारियों के साथ। इस सारे प्रकरण में पुलिस की जो भी भूमिका रही, एक तो जो विक्टिम है वो आज आकर के चेयरमैन साहब को मिले और उन्होंने कार्रवाई पुलिस ने की, उसमें अपना संतोष जाहिर किया और कुछ मांगे भी रखी कि जल्दी चालान हो, ट्रायल हो, इनको सज़ा गंभीरतम मिले और उन्होंने अपने लिए नौकरी की भी कमीशन के सामने रिक्वेस्ट रखी। तो जहाँ तक प्रकरण का सवाल है, अन्वेषण लगभग पूर्ण है, कुछ तकनीकी काम हमारे शेष हैं, वो करके हम बहुत जल्दी चालान पेश कर देंगे और केस ऑफिसर स्कीम में लेकर इसका जल्द से जल्द हम ट्रायल कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सजा के लिए अदालत से अनुरोध करें। एक जांच मेरे द्वारा ऑर्डर की गई है, उप महानिरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी श्री जोश मोहन विजिलेंस में उप महानिरीक्षक पुलिस, वो 7 दिन में जांच कर अपनी रिपोर्ट देंगे और फिर जैसा कमी है और जिसका उत्तरदायित्व वो बताएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आगे हमसे ऐसे कोई अगर गलती है दोबारा ना हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि हम अपने लोगों को सेंसिटाइज भी करें और प्रशिक्षित भी करें। फास्ट ट्रैक में होगा सर इसका ट्रायल? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बंद हो गए, लेकिन केस ऑफिसर स्कीम में हम प्रयास करते हैं जल्दी ट्रायल हो, तो ज़्यादातर न्यायालय इसमें सहयोग करते हैं। जिन जगहों पर भौगोलिक स्थिति कुछ अलग थलग है, जंगल है, भीड़ जैसे टीबे हैं, वहाँ थानागाजी भी ऐसी जगह है, वहाँ ऐसी घटना हुई है, आपको भी लगता होगा कि इन जगहों पर अस्थायी पुलिस चौकी की ज़रूरत है, कुछ सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ टोल फ्री नंबर जैसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि तुरंत सूचना मिले और एक्शन हो सके? देखिए, टोल फ्री नंबर हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, 100 नंबर पूरे राजस्थान में जो किसी भी पुलिस सेवा आपको कोई इमरजेंसी है कॉल कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 1090 समय से नंबर चल रहा है, जिसमें वो सहायता के लिए फ़ोन कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे 100 नंबर एक लेडीज़ जो था उनको धमकी मिली थी, तो 100 नंबर पर कॉल किया था तो करीबन 1.5 घंटे तक फ़ोन किया और फ़ोन पिक नहीं हुआ, तो सर ऐसा प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये या तो तकनीकी खराबी से भी हो सकता है, कोई हमारी गलती भी हो सकती है, पर अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस होगा तो उसकी जांच करके दुरुस्त भी किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कस्बे में अपना 5 साल से थाना जब से बना है, जब से वहाँ पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है, चौकी भी 5 साल से सुनी पड़ी है, तो क्या नया करने का प्रावधान है स्टाफ में बनाने का, चौकी लगाने का? थाना तो सुना नहीं पड़ा है, बल्कि थाना में तो लोग हैं, मैंने कभी चेक कराया था तो कुछ लोग 4 साल से, कुछ लोग 3 साल से तो है लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक विभाग में थोड़ी कमी है और वो हमेशा रहा करती है, कोई नई बात नहीं, पर जहाँ जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से मानव संसाधन हर सूरत में उपलब्ध है। सर, आपने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक मुलजिम गिरफ्तारी की बात की थी, SP साहब की तारीफ की थी कि बहुत जल्दी एक्शन लिया, ऐसे क्या सरकमस्टांसेस पैदा हुए एक 2-3 घंटे बाद ही APO कर दिया गया हमको? ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की तारीफ़ की या नहीं की, लेकिन गिरफ्तारी में जो उन्होंने गति दिखाई 6 तारीख को, ये जब हमारे मेरे जानकारी में ये प्रकरण आया तो 7 तारीख की सुबह तक गिरफ्तारी हुई, उसे मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूँ, तब भी करता था, और 7 से 9 तारीख के बीच बीच में सारी गिरफ्तारियाँ हो गई। ये काम देखने में आसान लगता है लेकिन बहुत मेहनत मांगता है, और मैं अपनी सभी टीम, इसमें 14 टीम तो IG रेंज साहब ने या जिला SP साहब ने लगाई हुई थी, और इसके अलावा भी बहुत लोग इसमें सहयोग कर रहे थे, पुलिस मुख्यालय में 3-4 ADG साहिबान 24 घंटे हमारे साथ काम कर रहे थे, और दूसरे जिलों की पुलिस ने भी सहयोग किया, और जहाँ जहाँ खबर लगी निकट के राज्यों की पुलिस ने भी हमें सहयोग किया, और उन जिलों से जो उन राज्यों के नज़दीक थे हमारी पुलिस टीम्स गईं और वहाँ पर भी प्रयास किया गया इनको पकड़ने का, तो सबने मिलजुल करके जो काम किया है उसकी तो प्रसन्नता करनी पड़ेगी।
कमियाँ जो हैं उसे स्वीकारना पड़ेगा, उन्हें सुधारना भी पड़ेगा, और जिनकी जानबूझ के की गई गलतियाँ या लापरवाही से की गई गलतियाँ उनके लिए माफ़ी नहीं है। ठीक है।